साउथ एशिया के करंट अफेयर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि साउथ एशिया कंप्राइजेज मोर देन 2 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट, और इसी रीजन पर गहरी निगाह रखने वाले हमारे साथी टैग टीवी के कमेंटेटर फ्रॉम इंग्लैंड लंदन इस वक्त हमारे टोरंटो के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और कई किताबों के ऑथर हैं, जिसमें से द लास्ट राजा ऑफ वेस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान्स अटलांटिक अटैक एंड आर्बिट्रेशन, इनकी दो बड़ी ही जो इम्पॉर्टेंट अकेडेमिक नोयत की बुक्स हैं वो भी आ चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूँ प्रिया जी देवसरकार भाई का, वेलकम टू टोरंटो। थैंक यू वेरी मच गोरा साहब, आपने मुझे दावत दिया इधर आने के लिए, है ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव कम टू यू नो टू द स्टूडियो इटसेल्फ इन टोरंटो, व्हिच इज एन एक्सेलेंट सेटअप, सो बड़ी मेहरबानी आपने। थैंक यू, हम तो कई बार स्काइप पे फ़ोन पे आपको ले चुके हैं, जब आपके पास इंग्लैंड जाते हैं वहाँ पे भी बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आज हम फोकस कर रहे हैं इस बातचीत में ख़ास तौर पर जो म्यांमार का सिचुएशन है, रोहिंग्या का है, बांग्लादेश का है, चूँकि आप वेस्ट बंगाल से भी आपका ताल्लुक है, भारत से ताल्लुक है, आप रह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंग्लैंड, बट आप ऑलमोस्ट एवरी ईयर शायद विज़िट भी करते हैं भारत का, जुड़े हुए हैं, इंग्लैंड तो वैसे ही पास है, अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, और जो सिचुएशन है आप बांग्लादेश को भी समझते हैं, आपने बुक लिखी द लास्ट राजा ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, वो जो वेस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश है वो भी सारा आप समझते हैं, बल्कि अब वो पाकिस्तान के दो हिस्सों में से एक हिस्सा है जी, ये कहना चाहिए, बांग्लादेश अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें मैं बातचीत करूंगा शुरू CAA के कॉन्टेक्स्ट में, ये सारी बातचीत हम देखते हैं कि वो CAA के कॉन्टेक्स्ट में भारत में एक गलत फहमी फैल रही है कि शायद मुस्लिम्स को निकाल दिया जाएगा, मुझे हंसी आती है इस बात पे कि इसको पॉलिटिसाइज किस तरह कर रहे हैं, मोदी साहब खुद कह रहे हैं, भारत कह रहा है, खुद बिल कह रहा है, खुद लॉ कह रहा है कि भाई जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम वो तो सिटीजन्स ही हैं, कभी नहीं होगा, सिर्फ प्रोसिक्यूटर्स को हम लाएंगे, उस पर बात करेंगे। रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं ज़्यादातर, उनमें कुछ हिंदू भी हैं, ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं, और वो बर्मा से जो पहला नाम था उस कंट्री का अब म्यांमार है, वो वहाँ से ज़्यादातर जो रेफ्यूजी हैं बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इनको नहीं रखेंगे, बॉसों को वापस कर देंगे, भारत भी ये कंसर्न कर रहा था। तो जब ये बांग्लादेश कहता है तो कोई माइंड नहीं करता, कोई इंटरनेशनली शोर नहीं उठता। तो भारत तो अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, मैं सिर्फ रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ, CAA की बात यहाँ नहीं कर, तो वो भारत पे क्यों सारा नज़ला करता है जी? अच्छा, मैं पहले शुरू करता हूँ, आपने जो कहा था अबाउट ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, जी ईस्ट पाकिस्तान था मेजॉरिटी, वो था 52-54% ऑफ द पॉपुलेशन, तो मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से कहा कि हमें हमारा हमको याद दो, हमको अलग होना है। तो इट इज़ द प्रॉब्ली द फर्स्ट क्लासिकल केस इन जियो पोलिटिकल हिस्ट्री दैट द मेजोरिटी हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम द माइनॉरिटी। राइट राइट। तो मेजोरिटी जो पाकिस्तान बना था वो तोड़ के बांग्लादेश हो गया, अभी जो बाकी रह गया वो अभी यू कैन कॉल देम लॉट्स ऑफ नेम बट कलेक्टिवली इट इज नोन एज पाकिस्तान। राइट। सो दैट इज फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। अच्छा, ये पहले आ जाते हैं रोहिंग्या के ऊपर। right. तो ये रोहिंग्या का जो मसला है, द डिस्प्यूट इज बिटवीन बर्मा एंड बांग्लादेश, दे आर द टू प्राइमरी स्टेक होल्डर्स इन। अच्छा, इसमें अभी यूनाइटेड नेशन भी आ गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपको एक छोटा सा एंगल इस पे लाना चाहता हूँ कि देखिए, जब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का जो एक देर इज़ एन अप्रोर इन इंडिया एंड इट्स गॉट लॉन्ग स्टैंडिंग यू नो इश्यूज़ विच हैव कम आउट इन द ओपन, तो रोहिंग्या और बांग्लादेश का जो इशू है, इसमें इंडिया में बहुत सारा रोहिंग्या रेफ्यूजी इंडिया ने वॉलंटरीली लिया when this issue started, because you know Bangladesh was you know almost getting submerged under and India stepped in. Sirf refugee nahi, India has also actively helped with food supplies, medical aid and lots of other humanitarian assistance to the refugees from Burma coming into Bangladesh, so you know they at least get some kind of a relief. So India ne ye kiya hai and this is on a huge scale, so
एक इंडियन नेवल शिप था आईएनएस कावेरी या गोदावरी ऐसा, सो इट कैरिड अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड्स इनटू दोज रेफ्यूजी कैंप्स ड्यूरिंग द पीक ऑफ द क्राइसिस. तो देखिए, अगर मैं इसमें बोल सकता हूँ कि वो रोहिंग्या तो इंडिया तो नहीं कह रहा है कि हम इसको वापस कर दें. क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि देखिए, ये अभी यूनाइटेड नेशन में ये मसला अभी चल रहा है, इसमें अभी कोई भी देर इज़ नो आउटकम टू द यू नो द डिस्प्यूट. वाई शुड इंडिया टेक साइड्स एंड पुट बांग्लादेश, विच इज़ प्रोबेबली वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स इन द नेबरहुड, इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन. सो तो रोहिंग्या के साथ CAA का तो कोई भी लिंक नहीं बनता, और आई थिंक इंडिया हैज़ डन मोर देन इनफ फॉर दैट. अभी एक बोल रहा है कोई एक आइलैंड में भी उनको सेटल करने का बात हो रहा है. तो एज लॉन्ग एज ये जब दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया विल नॉट डेफिनेटली नॉट ट्राई टू इंटरवीन एंड यू नो टेक साइड्स एंड यू नो ट्राई टू ड्रॉ द अटेंशन और द रेजोल्यूशन टू वन साइड. नहीं, मेरा ये कहना है कि वो जब बांग्लादेश कहता है कि हम नहीं रहने देंगे, तो उस पर कोई विरोध नहीं होता. अच्छा, भारत तो कुछ भी नहीं कहता. भारत कहता हम तो सबको अपने सीने से लगाएंगे. भारत कहता है जो परसिक्यूटेड हिंदू सिख बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान में हैं, चूँकि उनका बुरा हाल है, वो भी आ जाए, उसमें जोर डालता है. तो मैं इस एंगल को निकालना चाह रहा हूँ. नहीं, इसमें तो डेफिनेटली देखिए, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में एवरीबडी हैज़ द राइट टू हैव अ वॉइस एंड एवरीबडी हैज़ अ राइट टू प्रोटेस्ट. इसमें कौन जायज़ है नहीं है, इस डिस्प्यूट पर मैं नहीं जाना चाहता. लेकिन द यूज़ ऑफ वायलेंस इज समथिंग विच हैज़ टू बी कर्टेल. इसमें देर इज़ नो जस्टिफिकेशन ऑफ यूजिंग एनी वायलेंस. और जहादी स्लोगन जो चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए. क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये तो पाकिस्तान का मतलब क्या था ना? तो ये तो वही 1947 का था एक स्लोगन, मुझे भी याद है कि हाथ में बीड़ी मुंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तानी. इफ यू माइट नहीं, वो तो नहीं यूज करते थे, लेकिन वो मतलब उन्होंने बाद में इसको पैरोडी किया. तो देखिए, मेरा यही कहना है कि इट इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया, राइट? इट इज़ बीइंग डेल्ट विथ बाय द गवर्नमेंट इन एन अप्रोप्रिएट वे. बांग्लादेश गवर्नमेंट इन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर लेवल एज वेल, दे हैव एक्चुअली गिवन स्टेटमेंट्स कि आप हमें लिस्ट दें कि हम वेरीफाई तो कर ले कि कौन है इलीगल नहीं है, एंड दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट. दे हैव ऑलरेडी गिवन द स्टेटमेंट. तो एवरी कंट्री हैज़ अ राइट टू डिफेंड दिस बॉर्डर. दिस इज़ व्हाट आई से. आप टोरंटो में हैं, कनाडा में हैं, मैं इंग्लैंड में हूँ. ऐसा तो नहीं है कि कोई भी दुनिया से कोई भी लोग आके उधर बैठ सकते. देर इज़ यू नो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कमिंग इन. CAA एक रूट है, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रूट टू गेट इंडियन सिटीजनशिप. देर आर मल्टीपल रूट्स अवेलेबल. सो आई थिंक वी शुड बी अ मैच्योर डेमोक्रेसी एंड डू इट अकॉर्डिंगली. अब मुझे CAA के कॉन्टेक्स्ट में बताएं कि बांग्लादेशी जो रह रहे हैं भारत में, बहुत सारे आए 71 के उस वॉर के सीन में, उनकी क्या सिचुएशन होगी? जो ये डिपेंड करता है विच पार्ट ऑफ द कंट्री देयर सेटल. सो मैं एक यहाँ पे आपको एक आई विल ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी 71 से बहुत से रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश हैव बीन सेटल्ड देयर. इफ़ यू लुक टुडे, इफ़ यू गो टू पोर्ट ब्लेयर विच इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, आई थिंक 50% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन इज बंगाली स्पीकिंग एंड दे आर ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश. So it depends which part of the country they are settled and what is the demographic, you know, divide or is there any conflict. Jaisa agar aap Assam mein jayenge, there is a different scenario there. There is a Assam Accord there. So ye, because you see, India is not a monolithic country. India is a hugely, you know, diverse kind of, where diverse people, diverse religion, bahut se log bahut se zaban bolte hai, bahut se mazhab hai, bahut se sects hai. So we cannot have one guide yardstick to measure everything. This is what I feel. देखिए, भारत से भारत में रहने वाले जो बांग्लादेशी हैं, जो 71 के ट्रेजिडी के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, उनमें हिंदू भी हैं जी, मुस्लिम्स भी हैं जी. आपने अभी असम अकॉर्ड की बात की. असम अकॉर्ड में चूँकि एक स्टेट किस तरह डील करती है, right. यानी स्टेट ऑफ द इंडिया, वो जो यूनियन के अंदर, उसका क्या है सेंटर के साथ एग्रीमेंट, और फिर सेंटर फॉरेन गवर्नमेंट के साथ कैसे डील करेगा वो है. लेकिन एक वहाँ पे एक र्यूमर है कि जो मुस्लिम्स बंगाली आए बांग्लादेश से, उनको शायद निकाल दिया जाएगा. तो ये एक एक अफवाह या एक र्यूमर उठाया जाता है. अच्छा, इस सवाल के जवाब में मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ. 1971 में एक अकॉर्ड हुआ था, इंदिरा मुजीब अकॉर्ड, राइट?
तो ये जब फॉल ऑफ ढाका हुआ, सरेंडर पाकिस्तान, तब ये एक अकॉर्ड हुआ था, और उसका वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ इट वाज था कि ये जो एनक्लेव्स है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच वर अनडिमार्केटेड, दे वर स्टेट ऑलमोस्ट स्टेटलेस काइंड ऑफ पीपल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर हसीना फ्यू ईयर्स अगो दे सेटल्ड द डिस्प्यूट, एंड प्रॉब्ली दिस इज द ओनली example in history where two neighboring countries or two countries have settled their border dispute without firing a single bullet. तो मैं यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि जब वो enclave का swapping हुआ, then करोड़ लाखों के हिसाब से residents from all types of religions from Bangladesh were given Indian citizenship. तो उसमें तो कोई problem नहीं हुआ. तो we have models, you know, available in front of us. So I think we should behave in a sensible way. कोई नहीं कह रहा है कि किसी को एक मज़हब के ऊपर किसी को यू नो वापिस कर देंगे या करें. वी एवरी कंट्री हैज़ अ राइट टू डिफेंड दिस बॉर्डर. इफ़ देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन यू नो इफ़ यू आर देर इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट और इफ़ देर इज़ अ क्रेडिबल यू नो वायलेंस देन द स्टेट विल डील अकॉर्डिंगली. बट ऐसा बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है कि एक लॉ के अंदर सबको टारगेट किया. आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच. आपका वेस्ट बंगाल से ताल्लुक है और ममता बनर्जी वहाँ पर अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं जी, बड़ी एक स्ट्रांग लीडर हैं अपने उस कॉन्टेक्स्ट में. उन्होंने एक अपना विरोध शुरू किया हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि ममता बनर्जी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं. तो आपको लगता है कि वेस्ट बंगाल से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कितनी पॉलिटिक्स ममता बनर्जी वर्सेस स्टेट होती है, सेंटर होती है, कितना उनका लेजिटिमेट विरोध है या कितनी उनमें पोलिटिसाइजेशन है? हाउ डू यू फील? हर डेमोक्रेसी में देर इज अ पॉलिटिकल एंगल टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन. सो ऑब्वियसली देर इज सम पॉलिटिक्स टू इट. लेकिन आपको एक चीज़ यू हैव टू कीप इन माइंड, वेस्ट बंगाल इज़ अ बॉर्डरिंग स्टेट. सो वेस्ट बंगाल का जो हालात है वो शायद हिंटरलैंड के अंदर जैसे झारखंड हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, देर विल बी डिफरेंट डायनामिक्स टू दैट. अच्छा, सेकेंड इज मिस बनर्जी इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट यू नो चीफ मिनिस्टर, नॉट बिकॉज पीपल से सो, बिकॉज द इंडिकेटर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, द सोशल इंडिकेटर्स एंड द अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव ड्रामेटिकली ड्यूरिंग हर रूल. सो दिस इज़ अ फैक्ट विच वी हैव टू एक्सेप्ट. हाँ, लेकिन इसमें डेफिनेटली कुछ पॉलिटिक्स है. एंड not only Ms. Banerjee, there are a lot of other opposition political party leaders, jaise aap Delhi ka chief minister ka bhi example dekh sakte. So opposition party leaders have got, like, they have got an issue and they are, you know, doing some politics over it. But in a democracy, I think this is something which happens all the time, and we have to be mature enough to accept it. But I think things are getting in control now, and I think the central government is in a process to make sure that the consultation, jo sabse baatcheet, I think that bit which probably they had, you know, miscalculated or might have, you know, didn't have the oversight. I think they are on the right track, and I think things will be, you know, sorted out very soon. That's what my expectation is. आपसे वैसे तो हम बहुत सारे विषयों पे, बहुत सारे शोज में बातचीत करेंगे. आप हमारे पास आए हुए हैं और हम आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे, आपको बहुत सारे शोज़ में लाएंगे. मगर मैं थोड़ी सी बातचीत आज के सेगमेंट में आपसे ये भी करना चाहता हूँ. सीए पर आज हम फोकस रख रहे हैं, मैं और आप, आपके पास बहुत कुछ है कहने को, वी ऑल नो. लेकिन सीए की वजह से किस स्टेट को, ख़ासतौर पर ये जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इसमें शोर शुरू हुआ. अब दिल्ली जहाँ पे इसका असर नहीं पड़ता, वो ऐसे ही वहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया शुरू हो गया, तो ठीक है, हम आप और मैं एग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है बात करें. लेकिन इस बात से हम एग्री नहीं करते कि वायलेंस की बात हो, इस बात से भी एग्री नहीं करते कि जहादी चैंट्स हों वहाँ पर. ये दे आर नॉट इन देयर इंटरेस्ट, जो उसको नारे लगा रहे हैं वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है. तो सीएए का जो इफ़ेक्ट है, जो बांग्लादेश में प्रोसिक्यूटेड हिंदू हैं, क्या आप सुनते हैं उनके बारे में, कितनी परसेंटेज है, क्या सिचुएशन उनकी वहाँ पर है और कितना फ़ायदा उनको होगा? देखिए, बांग्लादेश में फॉर द लास्ट दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द प्रीवियस गवर्नमेंट विच वॉज आवामी लीग एज़ वेल, आई थिंक द बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज़ एड्रेसिंग द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़ वेरी रिगरसली. There is a
डेफिनेटली कंपेयर टू द अदर रेजिम्स विच वर देयर, आपको भी मालूम है कौन थे उनसे, तो आई थिंक द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज़ डेफिनेटली वर्किंग टूवर्ड्स अपलिफ्टिंग ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी. लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल. कहीं पे कुछ हो जाता है देन इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द एंटायर कंट्री और द कम्युनिटी. लेकिन मेरा ये कैलकुलेशन है कि इफ़ द गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर देयर कैन बी अ लॉट डन टू बी यू नो टू मेक श्योर दैट द माइनॉरिटीज गेट देयर राइट्स एंड द सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड. मैं एक और नुक्ता इसमें ऐड करना चाहता हूँ. आपने कहा दिल्ली में भी हो रहा है और बाकी जगह पे भी हो रहा है. मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे अगर ले जाऊँ तो आपको भी याद होगा कि CAA से पहले पूरा जो मगरबी वेस्टर्न मीडिया एंड द वेस्टर्न कंट्री एवरीबडी वॉज फोकस्ड ऑन वन ऑफ द रीजन्स इन एशिया विच इज़ हांगकॉन्ग. राइट राइट. अभी आपको देखेंगे कि वहाँ से पूरा फोकस जो है हट गया है. तो आई थिंक वी शुड थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर हियर that what this has you know created and who are probably getting the benefit out of such kind of a diversion. Lekin usse to opposition partiyon ko bharat ki zyada fayda ho raha hai kyunki abhi to iran ka masla international media pe hai phir hong kong abhi kiya nahi pura acha india ka wo even protest bhi international media kar raha hai apna left ke log par itna nahi kar rahe lekin जो अपोजिशन को जो फ़ायदा है क्या हो पाएगा जो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं CAA के खिलाफ इतने बड़े प्रोटेस्ट करने से. अब तो प्रोटेस्ट भी कुछ डाई डाउन होते जा रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं? नहीं, मेरा ख्याल से आई थिंक द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द राइट स्टेप्स, दे आर डूइंग द राइट थिंग्स. जैसे मैंने पहले कहा प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफकोर्स बट विदाउट द यूज़ ऑफ वायलेंस. बट आई थिंक इफ़ यू कंसल्ट एवरीबडी एज अ डेमोक्रेसी डज आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर नॉट ओनली इंडिया बट ऑल दिस नेबर्स एज वेल. बिकॉज हमारा ये प्रिंसिपल है दैट वी वॉन्ट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट एज इट सेल्फ एंड वी वॉन्ट टू हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशन विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान. हाँ, ये बात अलग है कि देर इज़ अ डीप स्टेट विच हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट देयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोग तो हम लोग एक ही लोग हैं. सो अगर हम मान लें सब आपस में, अगर हम मान लें सब आपस में कि हम कहीं और से नहीं आए हुए, इसी धरती के हैं, चाहे मुस्लिम्स हैं, चाहे सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो भी हैं. जब हम आप इंग्लैंड में रहते हैं, हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ हम 3 साल में कैनेडियन हो जाते हैं, तो वहाँ हम 3 जनरेशन से भारतीय नहीं हो पा रहे, तो ये एक इशू होता है. जी बिल्कुल. एंड आई थिंक वी शुड वर्क इन द राइट डायरेक्शन टू ओवरकम दिस हर्डल्स. थैंक यू वेरी मच प्रियाजीत जी, आपसे साथ हमने प्रिसाइज बातचीत की इस हवाले से. बाकी बातचीतें भी आपके साथ होती रहेंगी हमारे स्टूडियो में. थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन. थैंक यू वंस अगेन फॉर द इनविटेशन. थैंक यू, बड़ी मेहरबानी. व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी प्रियाजीत देबसरकार, जो कई किताबों के ऑथर हैं. इसके साथ साथ साउथ एशिया के जो करंट अफेयर्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, उन पर इनकी गहरी नज़र है. और इसी कारण हम इनकी राय इंग्लैंड से भी स्काइप पर और फ़ोन पर लेते रहते हैं. इस वक्त वो कनाडा के विज़िट पर हैं, तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ बातचीत कर रहे हैं. इनके साथ और भी बातचीत आप टैग टीवी पर देख और सुन रहे होंगे और सुन चुके होंगे और भी सुनेंगे. और आज की ये बातचीत प्रियाजीत देबसरकार के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया.